सो वेलकम बैक टू माई चैनल और आई होप कि आप सभी लोगों ने विक्रम मूवी देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो क्योंकि ये वीडियो जो है स्पॉइलर वीडियो होने वाला है और इसी वजह से मैं लेट कर रहा था जबकि मैं फ्राइडे को ही देख चुका था और ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट जो है ऑलरेडी लाइनअप में था। तो भाई इसी वजह से मैं आज के दिन में ये वीडियो लाया हूँ। स्पॉइलर आई थिंक आपको जरूरत है क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट हाफ जो है आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है कहानी क्या चल रही है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे लोकी भाई साहब ने पहले कह दिया था कि इस मूवी को देखने आने से पहले आप एक बार कैथी देख करके आना। इसके पीछे का रीजन ये है कि कैथी मूवी जहाँ पे खत्म हुई थी और उसकी जो स्टोरी लाइन थी वही चीज को कंटिन्यू किया गया है विक्रम में। एंड आई एम रियली शॉक्ड विद दैट कि भाई उसी वक्त उसने सोच लिया था कि नेक्स्ट किस तरह से आगे बढ़ाना है कहानी को और किस किस को मतलब स्टार कास्ट में लेना है। कमल हसन, विजय सेतुपति और साथ ही साथ फहद फासिल, इन सभी को लेकर के आगे बढ़ना है, ये उसी वक्त उसने तय कर लिया था। भाई बहुत ग्रेट डायरेक्टर है, इसको क्रिस्टोफर नोलन बोल सकते हैं अपने इंडिया का या फिर कह लो कुछ और। तो स्टोरी ये रहती है कि भाई 10 साल के बाद शिवा जो है वापस आ रहा होता है अपनी बेटी से मिलने के लिए और उसी वक्त जो है उस रात पुलिस वालों के साथ में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके वजह से उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी उस पर जबरदस्ती थोपी जाती है और उसके बाद से क्या होता है आप सबको पता ही है कि किस तरह से वो जाकर के पुलिस स्टेशन के पास से ड्रग्स निकालता है और वहां पे एक बहुत बड़ा सा गन होता है जो कि क्लाइमेक्स में एकदम हिला डालता है। अब जो लास्ट का जो स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो सड़क पे चलता रहता है अपनी बेटी के साथ में, उसके बाद से आगे कहानी बढ़ रही है। कहानी में यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये समझना पड़ेगा कि भाई कमल हसन किस लिए आए हैं। कमल हसन का जो यहाँ पे एंट्री है 1986 में जो विक्रम का रोल प्ले किया था उन्होंने उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है और मैंने भी वो मूवी नहीं देखी है तो आप भी अगर स्किप करोगे तो चलेगा, बस कैथी देख लेना। सो ये हो गई है बात स्टोरी की एंड आई होप कि मैंने आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दिया है। यहाँ पे जो विजय सेतुपति है ये बहुत बड़े ड्रग डीलर है। आपने जो लास्ट टाइम देखा था कि वहां पे अर्जुन बोल करके एक बंदा रहता है जो कि बहुत बड़ा ड्रग का डीलर रहता है और उसके ऊपर में एक ऐसा बंदा रहता है जो जेल में गलती से बंद हो जाता है, तो आपको कैथी में देखने को मिलेगा कि वो लोग बहुत बड़े ड्रग डीलर है और वो मेन बॉस है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मेन बॉस नहीं है, उससे ऊपर में है विजय सेतुपति और विजय सेतुपति के ऊपर में आते हैं सूर्या। आपको शॉक लगा होगा सुन करके कि सूर्या का यहाँ पे एंट्री कैसे दिलवाया जा रहा है, लोग गलत तरह से अटकले लगा रहे थे। अब वहीं पे बात करते हैं फहद फासिल का। फहद फासिल इन सारी चीजों को जोड़ते बैठते हैं और उनको वो सारा लिंक मिल जाता है और वो जो मेन सबसे बड़ा जो ड्रग पेडलर है उस तक पहुंचने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर स्टोरी दिखाया जाए तो यहाँ पे एक गैंगस्टर कह लो या फिर ड्रग डीलर का एक यूनिवर्स बनाया जा रहा है और उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस मूवी का एंड भी आपको कुछ ऐसा ही हिंट देकर के जाएगा कि हर एक का अलग अलग स्टोरी है और उन सभी स्टोरी को जो अलग से अगर बनाना चाहे तो वो आगे लोकी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई स्टोरी एकदम जबरदस्त है। अब बात करते हैं स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में। कमल हसन का जैसे ट्रेलर में दिखा रहे थे कि भाई वो खाना सबको परोसते हैं और खाना खाने के बाद नीचे में गन लगा करके रखते हैं, भाई वो शॉट जो है आपको यहाँ पे कुछ अलग तरह से दिखाया जाने वाला है। फहद फासिल एकदम कड़क सा रोल प्ले कर रहे हैं। विजय सेतुपति जो है उनको ज्यादा ग्लोरीफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है, वो एक अलग लेवल पे चल रहे होते हैं, उनकी एक्टिंग डिसेंट होती है और उनका जो एक बैकड्रॉप दिया गया है उसको बहुत ही नॉर्मल रखा गया है और जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है हर एक एक्शन सीन पे या फिर पूरे फिल्म में वो देखने लायक है। मतलब जब आप गन चल रहा है आपके सामने में उस वक्त में आपको एक इंग्लिश गाना सुनने को मिल रहा होता है, उसका म्यूजिक जो है उसका जो गाना जो है वो भाई अनिरुद्ध ने बनाया है और अनिरुद्ध की तरफ से देखा जाए तो एक मास्टरपीस है। मतलब आप जब थिएटर छोड़ करके बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में वो म्यूजिक एकदम बैठ सा जाएगा। मैंने देखा फ्राइडे को है लेकिन आज संडे के दिन में मैं रिव्यू कर रहा हूँ अभी भी दिमाग में वो म्यूजिक बैठा हुआ है। दैट्स द रीजन दैट मैं बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहा हूँ कि जवान में किस तरह से यार म्यूजिक होने वाला है। वैसे अनाउंसमेंट वीडियो में देखा जा चुका है कि भाई बीजीएम कैसा है, तो भाई भूलने लायक कभी भी नहीं होता अनिरुद्ध का म्यूजिक, तो भाई म्यूजिक एकदम जबरदस्त है। और जहां तक की बात डायरेक्शन की है, खुद इस मूवी को लिखा था लोकी ने और उन्हीं ने डायरेक्ट किया है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के देखो। हाँ, आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर ये स्पॉइलर आपको नहीं समझ में आया तो। आपको फर्स्ट हाफ तक इंटरवल तक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि जो सारी चीजें चल रही है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसके लिए मरने के लिए तैयार है, कौन क्या प्लान कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज सब जानने के लिए आपको इंटरवल तक का वेट करना पड़ेगा। इंटरवल में जाकर के ये राज खुलता है। इंटरवल के बाद जो भी चीज आपको दिखाई जाती है इट्स लाइक डीसी, हर तरफ मतलब डार्कनेस रहेगा, एक दमदार सा आपको एक्शन सीन देखने को मिलेगा। एंड बाय द वे एक्शन सीन्स जितने भी दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हजम होने वाले लायक है। जैसे कि साउथ की मूवीज में ज्यादातर लोगों को हजम नहीं होता कि ये एक्शन सीन कैसे हो सकता है, ऐसा कोई हीरो कैसे मार सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको रीजनेबल लगेगा तो ओवरऑल आप एंजॉय करोगे। और अभी तक का अगर बेस्ट मूवी कहा जाए तो KGF RRR, उसके बाद से पुष्पा। इसके लिस्ट में भाई आप इसको भी जोड़ लो कि भाई विक्रम हिट लिस्ट एक जबरदस्त मूवी है जिसको आप देख करके एंजॉय कर सकते हो। तो भाई ओवरऑल इट्स अ हिट एंड ब्लॉकबस्टर। थंबनेल बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉलीवुड का अपने फिल्मों से स्टोरी का होता है।
सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी. व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो. मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो.